हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन। मैं प्रीतेश आपका स्वागत करता हूं। आज माय गॉड, आज आप पढ़ने जा रहे हैं हैव और हैव टू। बड़ा ही कंफ्यूजन था सिंपल टेंस पढ़ने के बाद। ये चीज पढ़ने के लिए इसका अलग ही आनंद है। आनंद है कहां है, आज आया था क्लास में बैठा था। चलिए ठीक हैव और हैव टू पे जाते हैं हम लोग। हैव के साथ आर्टिकल प्लस नाउन और हैव के साथ टू प्लस वर्ब फर्स्ट, इस स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं आप। ये स्ट्रक्चर आपका क्या कहानी है, क्या फंडा है, क्या सब चीज कहता है, लेट्स सी। देखिए जरा हैव और हैव टू क्या कहता है। अगर मैं प्रेजेंट सिंपल के बेस पर या पास्ट सिंपल के बेस पर या फ्यूचर सिंपल के बेस पर किसी चीज की बात करता हूं जो ये कहता है कि आप इसमें वर्ब का यूज कर लीजिए और इस सेंटेंस को परमानेंट बना लीजिए, तो आपका स्ट्रक्चर क्या कहता है हैव और हैव टू का, ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट सिंपल में मैं आई वाले ग्रुप को आपको पढ़ा चुका हूं। मैं आई वाला ग्रुप आई वी यू दे पी एन और ही शी इट एस एन। अब देखिए इस ग्रुप के साथ आप वर्ब फर्स्ट लगा देते हैं, इस ग्रुप के साथ आप वर्ब फर्स्ट में एस ई एस आई एस लगा देते हैं और नेगेटिव आने पर इसमें डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट लगा देते हैं। वहीं इसमें आप डज नॉट के साथ वर्ब फर्स्ट लगा देते हैं। बात होती है पास्ट सिंपल की। ये दो ग्रुप क्लियर हो गए। मैं जाता हूं आई गो, मैं नहीं जाता आई डोंट गो, वह जाता ही गोज, वह नहीं जाता ही डजंट गो। यहां आते हैं आप पूरे के पूरे सेंटेंस में आई वी यू दे पी एन ही शीट एस एन में वर्ब फर्स्ट ना लगाकर वर्ब सेकेंड लगा देते हैं और डिड नॉट के साथ आप वर्ब फर्स्ट लगा देते हैं। याद है, अगर मैं बात करूंगा फ्यूचर सिंपल की तो इसमें आप आई व्यू द पी एन ही शीट एस एन सबके साथ विल वर्ब फर्स्ट लगाते हैं और नेगेटिव में विल नॉट के साथ वर्ब फर्स्ट लगाते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर मैंने सिंपल टेंस में करवा दिया था, पता होना चाहिए। अब देखिए अगर मैं इस पूरे वर्ब में यहां पर हैव को ले लूं तो पहले आपको हैव को समझना होगा। हैव एक वर्ब है, इसके पीछे अगर आप हैव को समझिएगा, मैं आप पहले ये हैव समझाता हूं फिर ये हैव समझाता हूं। हैव का एक्चुअल मतलब होता है हिंदी में पास होना। कौन सा पास होना, परीक्षा में पास होना नहीं, अधिकार वाला। ये देखो मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक कॉपी है, मेरा एक भाई है, मेरी एक बहन है, मेरे पास काम है, मेरे पास काम है जाने का, मेरे पास आने का काम, मेरे पास पढ़ाने का काम, मेरे पास जॉब है, ये वाली। इन सब चीजों को जब हम बताते हैं इंग्लिश में तो कैसे बोलते हैं और हिंदी में कैसे बोलते हैं, समझिए। अगर कभी, ध्यान सुनना, अगर कभी किसी व्यक्ति के पास कोई चीज होती है, चीज को समझ लीजिए पहले। पास होना क्या हो गया, हैव। चीज क्या हो गई, चीज निर्जीव सजीव दोनों हो सकती है। आपके जो रिश्ते हैं वो भी चीजों में आते हैं, भाई बहन, मम्मी पापा, चाचा पति पत्नी, बेटा बेटी, मामा मुआ, बुआ फूफा पापी, जितने चीजें, और टेबल कुर्सी चेयर लैपटॉप मोबाइल कार घोड़ा गाड़ी बंगला घोड़ा गाड़ी, सब ये सब चीजें भी चीज में आती हैं। तो अगर कभी किसी व्यक्ति के पास कोई चीज है, पास कोई चीज है और कोई व्यक्ति है, मतलब कोई रिश्ता है। क्या है रिश्ता, मतलब या तो रिश्ता हो किसी व्यक्ति के पास या कोई चीज हो, वो हैव आर्टिकल नाउन के थ्रू ही बताएगा। मेरे पास एक भाई है तो आई हैव अ ब्रदर, और मेरे पास एक कॉपी है तो आई हैव अ कॉपी, चलेगा। हिंदी में दो टाइप हो सकते हैं बट इंग्लिश में एक ही टाइप होगा। चुटकी नहीं भैया ना, इंग्लिश में एक ही टाइप होगा, हाँ बता दिया करो। ओके, उसके बाद आते हैं काम की बात। अगर कभी किसी व्यक्ति के पास काम होगा तो हिंदी में वो दो टाइप से उसको बताता है। कैसा, जैको वीडियो बनाना है तो जैको वीडियो बनाने का काम है, मुझे पढ़ाना है तो मुझे पढ़ाने का काम है। तो अगर मेरे पास काम है तो मैं उसको दो प्रकार से करता हूं। एक मेरी इच्छा होती है काम करने की, मैं बोलता हूं मुझे जाना है, मुझे आना है, मुझे पढ़ना है, मुझे मिलना है, ये हो गया मतलब मेरे पास काम इच्छा वाला। और यही काम अगर जाएगा, अरे यार सर का वीडियो देखना है, मीनिंग याद करना है यार, कोचिंग जाना, ऐसा करके मुंह से गोड़ लेते हैं, वहां पर मजबूरी नजर आती है, पर है तो वास्तव में व्यक्ति के पास काम। तो वहां पर अगर आपके पास काम है, इच्छा होगी तो आप बोलोगे काम करना है, करना था, करना होगा, और मजबूरी होगी तो आप बोलोगे काम करना पड़ता है, करना पड़ता था, करना पड़ेगा। तो इन दोनों अवस्था में आप बोलोगे इच्छा का काम बोलोगे या फिर मजबूरी जमबूरी का काम, मजदूरी लिखा गया ना, मजबूरी का काम होगा, मतलब इच्छा की बोलेंगे तो लिखेंगे काम को करना है, करना है, और इसमें आ जाता है पड़ता वर्ड, जाता है काम करना पड़ता है, पड़ता था या पड़ा या पड़ेगा। इसमें हम आप दो काम बताते हैं इंग्लिश में, लेकिन टाइप एक ही रहे, इसलिए कहा था 26 अक्षर की है, जरा सी तो है, हिंदी में दो है। देखो आप, मेरे पास एक भाई है, मेरा एक भाई है, मेरी एक कार, मेरे पास एक कार, सब कुछ मिलाकर आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ कॉपी, आई हैव अ कार। इसमें मुझे जाना है, आना है, देखना, पढ़ना है, जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। हिंदी में दो, इंग्लिश में एक ही, आई हैव
अक्टूबर फर्स्ट, मतलब मुझे जाना है, हैव टू गो। अब देखो आप जरा, हैव के पीछे अगर चीज आ रही है तो आर्टिकल ए एंड द प्लस नाउन लगा दीजिए, और अगर काम आ रहा है तो टू प्लस वर्ब फर्स्ट लगा दीजिए। इस हैव का प्रयोग इस वर्ब फर्स्ट की जगह रख दीजिए, स्ट्रक्चर कंप्लीट। कैसे, देखिए अगर मैं यहां पर, अगर मैं यहां पर टेक वर्ब लेता हूं टेक, तो नेगेटिव में क्या होगा, डोंट टेक, चलेगा ओके। अगर मैं यहां पर टेक लेता हूं तो क्या होगा, यहां पर टेक्स, और नेगेटिव में क्या होगा भैया, डज नॉट टेक। अगर मैं यहां टेक वर्ब लेता हूं तो क्या होगा, टुक, और नेगेटिव में क्या हो जाएगा भैया, डिड नॉट टेक। भाई समझ लेना मेरे भाई, अगर ये समझ में नहीं आया ना तो आगे समझ में नहीं आता, ठीक है ओके। मैंने बोला मैं लूंगा तो आई विल, यहां पर गोला छूट गया ओके, विल टेक, और नेगेटिव में विल नॉट टेक। मोतियों जैसे अक्षर हम बुराई ना करें कृपया, एक खुसर फुसर मत करो, तुम राइटिंग की बुराई कर रहे हो। देखो तो क्या हो जाएगा, टेक डोंट टेक, टेक्स डज नॉट टेक, टुक डिड नॉट टेक, और विल टेक विल नॉट टेक। ऐसा मैंने सिंपल में पढ़ाया था आपको, याद है, नहीं है तो फिर से दोटा के देख लो उसको ओके। ये हो गया। अब देखिए, अब टेक के पीछे मैं अ पेन लिखूं, अ कॉपी लिखूं, अ नैप लिखूं, छोटी सी नींद, ठीक है, अ कॉपी, अ चेयर, एन आइसक्रीम, तो इस तरीके से टेक के पीछे हो जाएगा। अब मैं हैव के पीछे काम लिखूंगा या फिर मैं नाउन लिखूंगा, दोनों एक सा फॉर्मेट होता है। जरा देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं यहां हैव लिखता हूं तो हैव होगा, नेगेटिव में यहां पर ये डोंट हैव होगा, वहीं पर यहां अगर मैं हैव लिखूंगा तो क्या होगा, हैव प्लस एस, मतलब हैव्स। तो मेरे भाई हैव्स कुछ नहीं होता है, इस हैव्स को हैव्स ना बोल के हैज बोल दिया जाता है। कहीं हैज लिखा हो तो समझ जाना हैव प्लस एस लिखा है, हैज हैव प्लस एस लिखा है। नेगेटिव आता है तो क्या हो जाता है, डज नॉट वापस हैव। देखो डज नॉट गो, डज नॉट टेक, डज नॉट वापस पहला फॉर्म हैव, डज नॉट हैव। इस पे आते हैं, इसमें भी वही फॉर्मेट है, टुक कर दिया इन्होंने, टुक सेकंड फॉर्म, और वापस वर्ब फर्स्ट डिड नॉट के साथ। यहां पर क्या कर देंगे, हैव का सेकंड हैड, और नेगेटिव में क्या कर देंगे, डिड नॉट के साथ हैव। फ्यूचर में क्या कर देंगे, फ्यूचर में कर देंगे विल हैव, और नेगेटिव में क्या कर देंगे, विल नॉट हैव। अब डिपेंड करता है टेक के पीछे अ कॉपी या पेन, अ कॉफी या टी, ठीक है, अ नूडल कह रहे थे। अब हम क्या करते हैं, हैव के पीछे लगाते हैं, इसके पीछे लगा दीजिए आप, या तो लगाइए आर्टिकल प्लस नाउन या लगाइए टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ठीक है। अब मेरे को बोलना है, देखो आप एक एक करके मैं चार इसके फॉर्मूले बोलता हूं इसके हिसाब से। मेरा एक भाई है और मेरे पास एक कॉपी है, मैं ये बोलूंगा कॉपी है, कॉपी थी, उसके पास है, इस टाइप का पूरा सेंटेंस बोलूंगा। मैं इसका बोलूंगा कि मुझे जाना है या जाना पड़ता है, जाना है इच्छा है, जाना पड़ता है मजबूरी। एक एक करके पहले अपन नाउन देखते हैं। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, आई डोंट हैव, देखो I don't have a car, do I have a car, don't I have a car, why do I have a car, why don't I have a car। अब मैंने बोला मेरा एक भाई है, तब भी I have a brother, I don't have a brother, do I have a brother, don't I have a brother, why do I have a brother, why don't I have a brother। यहां जाते हैं। अब मैंने बोला अभी हम चीज की बात कर रहे हैं, फिर हम वर्ब पे आएंगे, चीज की बात कर रहे हैं। उसके पास एक कार है, he has a car, he does not have, does के साथ have, he does not have a car, does he have a car, does not he have a car, why does he have a car, why does not he have a car। मेरे पास एक कार थी, I had a car, I did not have a car, did I have a car, did not I have a car, why did I have a car, why did not I have a car। पहले में had, दूसरे में have, did not के साथ। I will have a car, I will not have a car, will I have a car, will not I have a car, why will I have a car, why will not I have a car, चलेगा my dear। अब देखो मैंने ये कार बताया, मेरा एक भाई है, I have a brother, I don't have a brother, do I have a brother, don't I have a brother, why do I have a brother, why don't I have a brother, he has a brother, he does not have a brother, does he have a brother, does not he have a brother, why does he have a brother, why does not he have a brother, why इसीलिए लेता हूँ, why बोलने में कंफर्ट लगता है मेरे भाई, why, what, where, how, कुछ भी लगा दो आप, okay, I had a brother, था मेरा एक भाई था, मेरा दोस्त था, I had a brother, I did not have a brother, did I have a brother, did not I have a brother, why did I have a brother, why did not I have a brother,
I will have a brother, I will not have. मेरे पास एक भाई होगा, मेरे एक भाई होगा. I will have a brother, I will not have a brother. Will I have a brother, will not I have a brother. Why will I have a brother, why will not I have a brother. ये तो हो गया भैया, भैया और पेन कॉपी हो गया. अब देखें, अब जरा काम किसी व्यक्ति के पास होगा तो कैसे बोलेगा. देखो पहले अपन बोलते हैं इच्छा, मुझे जाना है. अरे मुझे क्लास लगी, मुझे जाना है, मुझे यूट्यूब देखना, मुझे चैनल देखना, प्रीति सर का वीडियो देखना है. इच्छा, मुझे जाना है. तो आई हैव, वो वही है वही है. आई हैव, अब चीज नहीं है, चीज होती तो आर्टिकल नाउन लगा रही थी, अब क्या लगाएंगे, टू प्लस वर्ब फर्स्ट. मुझे जाना है, आई हैव टू गो. इकट्ठा, आई हैव टू गो. आई डोंट हैव टू गो. डू आई हैव टू गो, डोंट आई हैव टू गो. व्हाई डू आई हैव टू गो, व्हाई डोंट आई हैव टू गो. भाई मजबूरी होगी, मुझे जाना पड़ता है, तब भी आई हैव टू गो, आई डोंट हैव टू गो. डू आई हैव टू गो, डोंट आई हैव टू गो. व्हाई डू आई हैव टू गो, व्हाई डोंट आई हैव टू गो. नाक सुकड़ी रहने देना, मजबूरी ना, वापस करो, चलो यहां जाओ. उसे जाना है, ही हैज टू गो. इच्छा देखो, इच्छा आंख है चौड़ी ऐसी. उसे जाना है, जाना है, जाना है, या जाना पड़ता है, उसे जाना है. ही हैज टू गो, ही डज नॉट हैव टू गो. डज ही हैव टू गो, डज नॉट ही हैव टू गो. व्हाई डज ही हैव टू गो, व्हाई डज नॉट ही हैव टू गो. मजबूरी, उसे जाना पड़ता है. ही हैज टू गो, डज नॉट हैव टू गो. डज ही हैव टू गो, डज नॉट ही हैव टू गो. व्हाई डज ही हैव टू गो, व्हाई डज नॉट ही हैव टू गो. ज्यादा टेढ़ी हो गई. ओके, मुझे मिलना था, मजबूरी, इच्छा, मुझे मिलना था. हाँ मुझे मिलना था उससे, इच्छा, मुझे मिलना पड़ता था, मजबूरी. सेम सेंटेंस है, आई हैव टू मीट, आई डिड नॉट हैव टू मीट. डिड आई हैव टू मीट, डिड नॉट आई हैव टू मीट. व्हाई डिड आई हैव टू मीट, व्हाई डिड नॉट आई हैव टू मीट. मुझे जाना होगा, जाना पड़ेगा, मुझे जाना होगा या जाना पड़ेगा, दोनों. आई विल हैव टू गो, आई विल नॉट हैव टू गो. विल आई हैव टू गो, विल नॉट हैव टू गो. आई विल हैव टू गो, आई विल नॉट हैव टू गो. मजबूरी, आई विल हैव टू गो यार. आई विल नॉट हैव टू गो. विल आई हैव टू गो, विल नॉट आई हैव टू गो. व्हाई विल आई हैव टू गो, व्हाई विल नॉट आई हैव टू गो. मुझे क्यों नहीं जाना पड़ेगा. यहां भी आई हैड टू गो, आई डिड नॉट हैव टू गो. डिड आई हैव टू गो, डिड नॉट हैव टू गो. व्हाई डिड आई हैव टू गो, व्हाई डिड नॉट आई हैव टू गो. मुझे क्यों नहीं जाना था. इस तरीके से आपका हैव और हैव टू का फंडा तैयार होता है इनके साथ. I hope so कि आपको यह इच्छा और मजबूरी वाला संफंडा समझ में आया होगा. क्यों? क्योंकि इसके बाद अब आपके पास है कुछ नहीं, सिर्फ 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 इनके साथ लेकर प्रैक्टिस. तो तैयार रहिए, कैन पुट शुड से लेकर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक और हैव हैव टू तक पूरे स्ट्रक्चर, पूरे टेंसेस का रिपीट करने अगले दो वीडियो में आ रहा हूं. प्रीतेश, तब तक लिटिल देन, गुड बाय, बाय एंड कीप लर्निंग. जिंदगी सीखने का नाम है. गुड बाय.